बलोच कौम रूहे ज़मीन पर अचानक वारिद होने वाली कोई नई कौम नहीं, बल्कि आज से सैकड़ों साल पहले लिखी जाने वाली किताबों में इनका जिक्र मिलता है। बलोच अपने रहन सहन, लिबास और तहजीब व सकाफत में अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम अकवाम से बहुत मुख्तलिफ हैं। ۱۸۷۳ में रॉलिंसन अपनी किताब में लिखते हैं कि लफ्ज बलोच एक बेबीलोनियन यानी बाबली बादशाह का नाम था। डेम्स 1904 में लिखते हैं कि लफ्ज बलोच के मायने हैं ताजे खुरोस, जो छठी सदी में बलोच सिपाहियों का लोगो था। जबकि हर्सफेल्ड ने 1908 में अपनी किताब में लिखा कि बलोच के मायने ऊंचा बोलने के हैं, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि लफ्ज बलोच दो अल्फाजों का मजमुआ है जो संस्कृत के हैं, बल और ओच। बल के मायने हैं ताकत और ओज के मायने हैं आला, यानी आला ताकत वाले लोग। 10वीं सदी में फारसी अदब के मायानास शायर अबू अल कासिम फिरदौसी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ताज खुरूस बलोच सिपाहियों का कौमी लोगो था। हिंदुस्तान की तारीख में बलोचों का जिक्र कुछ यूं आता है कि हिंदुस्तान के बादशाह नागाबाता ने एक ताकतवर फौज के हमले को नाकाम बनाया था। इस फौज का नाम वलाचा मलिचास लिखा गया है। हिंदुस्तान के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट बंदरकर के मुताबिक वलाचा मलिचास के मायने हैं खारिजी बलोच। यहाँ जिस फौज का जिक्र है वो बनू उमैया की फौज थी और सिंध फतह करके आई थी। जी हाँ, ये मोहम्मद बिन कासिम की फौज थी जिनका ताल्लुक हल्ब से था। आज भी मकरान कोस्टल हाईवे और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इन शौदा की कब्रें मौजूद हैं, और इन कब्रों में बहुत सी ऐसी कब्रें हैं जिनमें बलोची नाम दर्ज हैं। ज्यादातर ये कहा जाता है कि बलोच कौम का ताल्लुक हल्ब से है जो कि शाम में है, और ये अरबों की औलाद में से हैं। आज भी एक बड़ी तादाद बलोचों की हल्ब में आबाद है, लेकिन इसके तारीखी शवाहिद नहीं मिलते कि बलोच कौम अरबों की औलाद में से है, और ना ही बलोचों की रिवायत, तहजीब व सकाफत और जुबान अरबों से मुशाबियत रखते हैं। लेकिन इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि बलोच कौम का ताल्लुक कैस्पियन सी यानी बहरे गीलान के मशरकी और जुनूब मशरकी इलाके से है। दुनिया अदब की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर किताबों में से एक किताब शाहनामा फिरदौसी है। 10वीं सदी में लिखी जाने वाली इस किताब में बलोच कौम का जिक्र है। इस किताब को बुक ऑफ किंग्स यानी बादशाहों की किताब कहा जाता है। इस किताब में लिखा है कि बलोचों का ताल्लुक ईरान के शुमाली इलाके से है। तेहरान भी ईरान के शुमाल में और कैस्पियन सी के जुनूब मशरक में है। ईरान का सबसे ऊँचा पहाड़ भी तेहरान में है, जिसका नाम कूह अलबुर्ज है। बलोची में बुर्ज के मायने हैं ऊँचा, जबकि लफ्ज बुर्ज फारसी में मौजूद नहीं। फारसी में ऊंची चीज के लिए लफ्ज बुलंद इस्तेमाल होता है। 7वीं सदी में जब अरबों ने ईरान में अपनी हुकूमत कायम की तो उन्होंने लफ्ज बुर्ज के साथ अल का भी इजाफा कर दिया। इसके अलावा ईरान में एक बहुत बड़ा सहरा है जिसे दश्त लुट कहा जाता है। लफ्ज लुट भी फारसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं, और बलोची में लुट का मतलब है बहुत बड़ा। ईरान के शुमाल में एक जंगल भी पाया जाता है जिसका नाम है तुस्किस्तान। इस जंगल में एक खास किस्म का दरख्त पाया जाता है जो नोकीले कांटों से भरा होता है। इस दरख्त का नाम तुस्क है, लेकिन लफ्ज तुस्क भी फारसी जुबान में नहीं मिलता, जबकि बलोची में तुस्क का मतलब है नोकीला। इसी तरह अलवन नामी एक पहाड़ भी ईरान में मौजूद है, और इस पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े या हिस्से हैं। इन टुकड़ों या हिस्सों को आप इन तस्वीर में वाज़े तौर पर देख सकते हैं। बलोची में वंड हिस्से को कहते हैं, जबकि ये लफ्ज़ ईरान की किसी दूसरी जुबान में मौजूद नहीं।
पाकिस्तान में हर जगह एक तुर्किश ड्रामे के चर्चे जुबान ज़दे आम हैं। इस ड्रामे ने साबिका तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। अर्तुगरुल गाजी नामी ये ड्रामा तुर्की से भी ज़्यादा पाकिस्तान में मकबूल हो गया है। इस ड्रामे का एक रिकॉर्ड ये भी है कि सिर्फ 15 रोज़ में YouTube पर 10 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तुर्की में इस ड्रामे की पहली किस्त को 5 सालों में 1 करोड़ 20 लाख बार देखा गया है, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस ड्रामे के पाकिस्तानी YouTube चैनल पर पहली किस्त को सिर्फ 3 हफ्तों में 2.5 करोड़ से ज़ायद बार देखा गया है। इस ड्रामे में मुख्तलिफ जगह बलूची सकाफत को अया किया गया है और ये भी दिखाया गया है कि काई कबीले में भी बलोच रहते थे। इसके अलावा हल्ब में भी बलोचों को दिखाया गया है। तारीख की बहुत सी किताबों से इस बात के शवाहिद मिलते हैं कि बलोच सैकड़ों साल पहले हल्ब में रहते थे। आज भी बलोचों की एक बड़ी तादाद वहां आबाद है। चंद साल पहले की जाने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान में बलोचों की आबादी 1 लाख से ज़ायद है, जो कहीं से हिजरत करके नहीं गए बल्कि वहाँ के आबाई लोग हैं। तुर्कमेनिस्तान भी कैस्पियन सी के साहिल पर है। वाजे रहे कि कैस्पियन सी एक समंदर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा झील है। सवाल ये पैदा होता है कि काई कबीले का ताल्लुक कहां से था। अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक अहलद से था, जो कि कैस्पियन सी के मशरिक में है। यही इनकी जाय पैदाइश भी है। सीजन 2 में मुख्तलिफ इकसात में अहलद का जिक्र आता है। काई कबीले ने वैन नामी झील और कैस्पियन सी के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत की और इस बात के तारीखी शवाहिद मौजूद हैं कि बलोचों का ताल्लुक कैस्पियन सी के मशरकी इलाके से था। नसीर दश्ती अपनी किताब द बलोच एंड बलूचिस्तान में लिखते हैं कि बलोचों का पुराना नाम बालाचिक था, जो तो बालाशगान के रहने वाले थे। बालाशगान भी कैस्पियन सी के मशरिक और वैन झील के दरमियानी इलाके का पुराना नाम था, जैसा कि आप इस पुराने नक्शे में देख सकते हैं। आज इस इलाके का कुछ हिस्सा तुर्की और कुछ हिस्सा अजरबैजान में पड़ता है। यानी अर्तगल कबीले का जिस खित्ते से ताल्लुक था उसका पुराना नाम बालाशगान था। जब बलोचों ने ईरान की तरफ हिजरत की तो फारसियों ने इन्हें बालाच का नाम दिया, जो बाद में तब्दील होकर बलोच हो गया। इसके अलावा अरबों ने इन्हें बलोच कहा। आज भी अरब इन्हें अल बलूची कहते हैं। आज भी बलोचों में बालाच नाम बहुत आम है। इसके अलावा बलोच कौम में बालाचकी या बालाचिक लफ्ज आज भी बलोच कौम के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान के मगरबी इलाकों से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक और तुर्कमेनिस्तान से लेकर वैन झील तक आज भी लाखों बलोच रहते हैं, जो कहीं से हिजरत करके नहीं गए बल्कि वहां सैकड़ों साल से आबाद हैं। ईरान की कदीम सल्तनत दुनिया में सुपर पावर का दर्जा रखती थी। ईरानी तारीख के 8 बड़े सल्तनतों में से एक सल्तनत का नाम पैरथियन एम्पायर है, जिसे फारसी में अशकानियन यानी अशकानियों की सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जो 250 कबल मसीह के दौर में कायम थी। बहुत कदीम होने की वजह से इस सल्तनत के बारे में बहुत कम मालूम मैसर हैं। बलोची लिबास में अगर हम सबसे मुनफरद जुज की बात करें तो वो 3 हैं। एक बलोची शलवार, दूसरा पंदूल और तीसरा बलोची चवट। अगर हम अशकानी सल्तनत के आसारे कदीमा को देखें तो हमें ये तीनों चीज़ें वाजे नज़र आती हैं। हम ये जानते हैं कि मुजस्मे आम लोगों का नहीं बल्कि शाही ख़ानदान के अफराद का बनाया जाता था। अगर आप इस मुजस्मे को देखें तो पंदूल वाजे तौर पर देखा जा सकता है।
इसके अलावा मुख्तलिफ मुजस्मों में शाही खानदान को बड़ी शलवारें पहने हुए देखा जा सकता है। ये शामी नाम का मुजस्मा है जिसे ईरान के कौमी अजायब घर में रखा गया है। ईरान में ये बहस काफी अरसे से चली आ रही है कि अश्कानी सल्तनत बलोचों की थी या नहीं, लेकिन एक बात वाज़े है कि अश्कानियों के लिबास से करीब तरीन मुशाबियत बलोचों के लिबास की है। एक और दिलचस्प बात यह है कि अश्कानी नाम से मिलता जुलता लफ्ज अस्कानी नामी कबीला आज भी बलोचों में है। पार्थियन एम्पायर यानी अश्कानियन के बाद ईरान में एक और बादशाह गुजरे जिनका नाम बालाच था। मशरिक और मगरिब में लिखी जाने वाली मुख्तलिफ तारीख की किताबों से ये बात साबित है कि बलोच सिपाहियों के हेलमेट पे ताजे खरोस का निशान होता था। ये ईरान के बादशाह बालाच के जमाने का एक सिक्का है जिस पे बालाच की तस्वीर बनी हुई है। अगर हम गौर से देखें तो बादशाह के ताज पर ताजे खरोस का निशान देखा जा सकता है। हम जानते हैं कि अरबी जुबान में चे ना होने की वजह से चे की जगह शीन का इस्तेमाल होता है। जब अरबों ने ईरान की तारीख लिखी तो उन्होंने बालाच की जगह बालाश लिखा। दसवीं सदी में पैदा होने वाले ईरान के कौमी शायर, फारसी अदब की तारीख के सबसे अजीम शायर, दुनिया अदब की सबसे अजीम किताबों में से एक किताब शाहनामा यानी बादशाहों की किताब के मुसन्निफ अबू अल कासिम फिरदौसी के बलोच कौम पे लिखे जाने वाले इन अशार के साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करना चाहूँगा। सिपाहिश जगरदान कूच व बलोच सगाली द जंग व बर आवर्द खूच कसे दर जहान पुष्ट शान न दीद बरहने यक अंगुष्ट शान न दीद। इन अशार का उर्दू में तर्जुमा कुछ यूं बनता है, हर आन दुश्मन से लड़ने को मरने को रहती थी तैयार, वो दिलेर फौजे बलोच जिसका खाली जाता था ना कोई वार, बेबाक इतनी के अदू न देख सके कभी इसकी पुष्ट, पुर हिजाब ऐसी के आती न थी नजर एक भी अंगुष्ट।